हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड और यूनिट टॉपिक है जो फर्स्ट टॉपिक है एल्केन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एल्केन्स में भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो आई होप कि आपको बेसिक नोमेनक्लेचर वगैरह एल्केन्स का पता होगा। ठीक है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं तो सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीधा हम यहाँ पे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मीथे। उसके साथ हम बेसिक रिएक्शन देखते हैं क्लोरीन की कि किस प्रकार से जो है क्लोरीनेशन जो है मिलता है साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ओके, सो जनरली होता क्या है कि जब मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो वहां से एक HCl मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है और जो है क्लोरोमीथेन आपको प्राप्त होता है। राइट, फिर अगेन वापस से जो है क्लोरीन की रिएक्शन जो है कराई जाती है क्लोरोमीथेन के साथ, अगेन एक HCl मॉलिक्यूल रिलीज होता है और यहाँ पे CH2Cl आपको प्राप्त होता है। राइट, अगेन एक और मॉलिक्यूल जो है क्लोरीन का रिएक्ट करता है फिर से और लास्ट में जाके फिर से जब हम क्लोरीन की रिएक्शन जो है CHCl3 या क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे यहाँ से भी जो है एक HCl रिलीज होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई, जनरल रिएक्शन। राइट, अब हम कह रहे हैं कि ये सारे प्रोडक्ट जो है वो बन कैसे रहे हैं और ये HCl यहाँ से रिलीज कैसे हो रहा है। ओके, तो इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि एल्केन में जो ये हैलोजिनेशन होता है बेसिकली उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कि जो एल्केन्स होंगे ये तो हमने सबसे छोटा मेंबर लिया है एल्केन का मीथेन। जो एल्केन्स होंगे अलग अलग उनमें जो रिएक्टिविटी होगी वो किस प्रकार की होगी। तो अगर हम देखें कि डिफरेंट टाइप के एल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन atom in alkenes, okay? Alkenes में जो different type के hydrogen atom होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो different type के alkenes होते हैं towards the halogenation वो क्या होता है। ठीक है, उनका nature क्या होता है, उनकी reactivity क्या होती है। तो basically जो 3 degree hydrogen होते हैं alkene में उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 degree हाइड्रोजन एटम, और जो 1 degree हाइड्रोजन एटम होता है उनकी रिएक्टिविटी जो है सबसे कम होती है। ओके, यानी कि 3 degree हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी 2 degree से ज्यादा होगी और 2 degree की जो है वो 1 degree से ज्यादा होगी। ओके, तो ये तो हो गई बेसिक रिएक्टिविटी की बात। राइट, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो मीथेन है, मीथेन के साथ है वो रिएक्ट रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे मीथेन की तो बात कर रिएक्ट कर फास्ट 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 रिएक्ट करता है मीथेन में जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उनकी रिएक्टिविटी और जो हैलोजन रिएक्ट करेंगे एल्केन के साथ उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी। ओके, अब हम देखते हैं हमारा जो मेन काम है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। पर हैलोजिनेशन में भी क्लोरीनेशन अलग से होगा, ब्रोमिनेशन होगा, आयोडिनेशन होगा, फ्लोरिनेशन होगा, वो सब पढ़ते हैं हम। ठीक है, वो हैलोजिनेशन ही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला केस लेता। ओके, तो क्लोरीनेशन को समझ के हम बेसिकली हैलोजिनेशन को समझ सकते हैं।
का मैकेनिज्म। ओके तो स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म। हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया है या फिर कहे क्लोरीन गैस ली है जो Cl2 होती है, राइट। इनिशियली क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इसे फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरो एटम है क्लोरीन के, उनके बीच में क्या बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, राइट। अब होता क्या है इनिशियली फर्स्ट स्टेप में कि ये सिंगल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। ओके इस ब्रेक होने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, यहाँ पे 58 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड के ब्रेक होने के लिए, राइट। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है H2 यहाँ पे फोटोन कैलोलाइट, ओके या फिर आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में हमें टेम्परेचर कितना चाहिए होगा क्लोरीनेशन के लिए, 30 सेंटीग्रेड के आसपास आपको टेम्परेचर चाहिए होता है। और लाइट की जो वेवलेंथ होगी, कितनी वेवलेंथ की लाइट आपको रिक्वायर्ड होती है क्लोरीनेशन के लिए, तो वो होगी 487.5 nm की वेवलेंथ जो है आपको रिक्वायर्ड होगी लाइट की, ठीक है। इतनी वेवलेंथ की लाइट आपको चाहिए एक इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को या सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इतनी वेवलेंथ की लाइट अगर आप डालते हैं क्लोरीन पे तो तो इतने टेम्परेचर पर जो है वो ब्रेक हो जाता है। ओके और उससे बनता क्या है, उससे बनता है बेसिकली दो क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ओके और ये जो रिएक्शन या फिर ये जो स्टेप होता है बेसिकली ये होता है एंडोथर्मिक स्टेप। कैसा होता है, एंडोथर्मिक स्टेप होता है, राइट। इसे जो है आप प्लस साइन से दिखा सकते हैं, प्लस साइन का मतलब है एनर्जी ली गई है। ओके तो यहाँ पे हम कहेंगे ये स्टेप कैसा होता है, बेसिकली एंडोथर्मिक होता है। ओके एंडोथर्मिक स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप जहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके सेकेंड पॉइंट यहाँ पे या फिर सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्टेप में चेन प्रोपेगेशन स्टेप, सेकेंड स्टेप को हम कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। ओके और फर्स्ट स्टेप को क्या सकते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। श्रृंखला प्रारंभन पर, ओके और संचरण पथ। ओके तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि किस प्रकार से आगे बढ़ता है ये हमारे रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले जो रेडिकल बना है फर्स्ट स्टेप में वो लिखेंगे हम यहाँ पे, और वो रिएक्ट किससे करेगा, वो रिएक्ट जो है हम मीथेन मॉलिक्यूल से कराएंगे। ओके मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ, और वहां पे एक तो HCl का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर देगा और एक जो है CH3 रेडिकल फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब 4 kcal/mol, ठीक है। और जो बना है बोन उससे एनर्जी रिलीज कितनी हुई, किलो कैलोरी पर मोल, राइट। यानी कि यहाँ पे ये प्लस वन आएगा, ओके प्लस वन किलो कैलोरी पर ओके मोल। ओके अब ये जो श्रृंखला सतत पद है, ओके यहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि अभी तक तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिला नहीं है। ओके तो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे हमें एक रेडिकल मिल चुका है, ये रेडिकल वापस से रिएक्ट करता है किसके साथ, एक दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। और पहले इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल का ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको कितना एनर्जी चाहिए, 58 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी चाहिए। ओके रिएक्ट करता है, बनाएगा क्या, एल्काइल हैलाइड, क्या बना दिया, ओके हैलाइड। ओके और यहाँ से फिर से इसने एक रेडिकल जो है वो रिलीज किया है। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है बेसिकली उसके लिए जो एनर्जी है
वो है 84 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। तो बेसिकली जो ओवरऑल एनर्जी होगी यहाँ हमारे के दौरान, ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे अगर देखें हम, तो कितनी हो रही है यहाँ पे, आप कह सकते हैं 26 का स्टेप। तो पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप या फिर श्रृंखला प्रारंभ एंड, तो कैसा था, एंडोथर्मिक था। श्रृंखला सतत पद है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। यहाँ से जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो ये है श्रृंखला जो एक पद जो एक्सोथर्मिक होता है, और इस तरह से यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ओके। अब जो चेन टर्मिनेशन स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप, या फिर हम कह सकते हैं श्रृंखला समापन पद, हिंदी में हम इसे कहेंगे श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन में बेसिकली क्या होता है, देखो कि अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में आपको यहाँ पे ये रेडिकल भी मिलेंगे क्लोराइड के, आपको मीथेन के रेडिकल भी मिलेंगे। अब क्या होता है ना, इतने सारे रेडिकल अगर हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, हमें जो है रिएक्शन कंप्लीट करवानी है, राइट। तो होता क्या है बेसिकली, जो भी रिएक्शन मिक्सचर में सकते हैं रेडिकल प्रेजेंट है, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पे बॉन्ड बनाने की, तो क्लोरीन के रेडिकल क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना, जो मीथेन का रेडिकल है वो भी क्लोराइड के रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। इसके अलावा लास्ट पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो मीथेन के रेडिकल है वो मीथेन के ही रेडिकल के साथ रिएक्ट करके जो है, या फिर ऑप्शन कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई कि हेलोजिनेशन का जो प्रोसेस है या जो मैकेनिज्म है वो किस तरह का होता है। हेलो फिलहाल में भी हमने फिलहाल स्पेसिफिक केस लिया है, वो है क्लोरीनेशन का, इसको समझना ईजी है, इसलिए हमने ये केस लिया है क्लोरीनेशन का, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीनेशन के जैसा ही दूसरा भी एक मैकेनिज्म है, वो है उसमें भी लगभग इसी प्रकार से जो है वो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। पर उससे पहले जो है कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, वो कि Cl2 NCH4 जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर कभी भी रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर Cl2 और CH4 में कभी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। पर अगर आप इनके क्या मिला दे ट्राई इथाइल लेड ऐड कर दे, ओके, उसकी थोड़ी सी भी मात्रा ऐड कर दे, स्मॉल अमाउंट में ट्राई इथाइल लेड ऐड करते हैं, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का है यहाँ पे कि क्लोरीन की CH4 के साथ रिएक्शन 120 डिग्री पर नॉर्मली तो नहीं हो सकती, पर अगर हम ट्राई इथाइल लेड इस रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन इजीली हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता, या फिर ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वो होती ही नहीं है। क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा कम होती है, रिएक्शन रेट क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन इथाइल रेडिकल के साथ रिएक्शन कर क्यों कम होती है, रीजन क्या है उसके पीछे का,
ऑक्सीजन जो होता है ना, बेसिकली ये जो इथाइल रेडिकल है इसके साथ रिएक्ट करके परऑक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है? परऑक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन कर देता है, परऑक्सी रेडिकल का। और ये जो परऑक्सी रेडिकल होता है बेसिकली ये फ्री रेडिकल रिएक्शन में को आगे प्रोसीड करने में केपेबल ठीक है ये नहीं कर सकता रिएक्शन। हमें आगे जो अल्टीमेटली हमें एल्काइल हैलाइड चाहिए वो हमें यहाँ से नहीं मिल सकता, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो ट्राई इथाइल लेड है और यहाँ पे ऑक्सीजन है वो इनहिबिटर का काम भी करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे जो मैंने कहा था कि ब्रोमिनेशन भी क्लोरिनेशन के जैसा ही एक प्रोसेस है, उसका मैकेनिज्म भी लगभग सेम होता है ब्रोमिनेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो सेम ही है लगभग बिल्कुल ही कि किस तरह से रिएक्शन होती है, बस हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे एनर्जी चेंज हो जाती है, राइट। बाकी स्टेप वही है, फर्स्ट होगा आपका चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें आपको क्या करना होगा, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है उसका ये जो सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। और ये ब्रेक होने के लिए इसको एनर्जी कितनी चाहिए? इसको एनर्जी चाहिए 40 किलो कैलोरी पर मोल। इसको एनर्जी जो है वो कम चाहिए क्लोरीन के कंपैरिजन में, राइट। और लाइट के प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन होती है। और इनिशियली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर भी आपके पास जो है वो एक फ्री रेडिकल बनता है ब्रोमीन का, राइट। और होती है रिएक्शन भी कैसी होती है, ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक होती है, रिएक्शन नहीं कहेंगे, ये स्टेप भी एंडोथर्मिक होता है, राइट। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप होता है ब्रोमिनेशन का, उसमें अगेन सेम ही है, ब्रोमीन का रेडिकल जो है वो आपके एल्केन के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे हमने मीथेन ले रखा है तो मीथेन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से फिर से एक होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। और बन क्या जाता है, HBr का फॉर्मेशन हो जाता है और एक मिथाइल रेडिकल जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है, राइट। मिथाइल रेडिकल रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस होना है इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, किलो कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, राइट। और यहाँ पे जो HBr का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसके लिए जो है हमें इतनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और जो ओवरऑल यहाँ पे रिएक्शन जो एनर्जी देखने को मिलती है वो कितनी मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है कि जो डिफरेंस है वो प्लस 16 किलो कैलोरी पर मोल का है। कितना है? प्लस 16 किलो कैलोरी पर मोल का है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी क्लोरीनेशन का, उसमें जो प्रोसेस हुआ था वहां पे हमें माइनस में मिली थी डेल एच वैल्यू, ठीक है। वहां पे क्या मिला था हमें? माइनस में डेल एच वैल्यू मिला था। मतलब कि ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक था, क्लोरीनेशन का जो चेन प्रोपेगेशन का स्टेप था वो तो एक्सोथर्मिक था। बट इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन यहाँ पे जो चेन प्रोपेगेशन का जो सेकेंड स्टेप है वो कैसा है, यहाँ पे ये भी एक्सोथर्मिक ही है। ओके, तो ये है मेन पॉइंट यहाँ पे कि ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। ओके, अब देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेप का फर्स्ट स्टेप तो एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई है। एक्सोथर्मिक है ओवरऑल जो स्टेप होगा ना वो तो एक्सोथर्मिक ही होगा। यहाँ पे भी देखो जैसे सेकेंड स्टेप का ये जो मिस्टेक हुई है फर्स्ट स्टेप जो है सेकेंड स्टेप का भी वो तो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। बट ओवरऑल जो चेन प्रोपगेशन स्टेप है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, राइट। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं ब्रोमिनेशन का बेसिकली यही सीन है, यहाँ पे भी चेन प्रोपगेशन का फर्स्ट स्टेप तो एंडोथर्मिक दिख रहा है, पर ओवरऑल अगर हम कहें कि जहाँ पे हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे जो स्टेप है ये ओवर होगा वो कैसा होगा, वो एक्सोथर्मिक ही होगा Br, राइट। यहाँ पे हमें क्या है, ये 46 ओवरऑल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, 46 जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर, और ये हो जाएगा हमारा 67 किलो कैलोरी पर मोल, 67 किलो कैलोरी पर मोल। और डेल एच का वैल्यू कितना है, यहाँ पे डेल एच का वैल्यू हमारे पास आता है -21 किलो कैलोरी
पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये है ब्रोमिनेशन का सेकेंड स्टेप, ओके। एंड देन फाइनल स्टेप तो वही है, चेन टर्मिनेशन वाला स्टेप, कि बहुत सारे जितने भी रेडिकल्स अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में है तो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, फिर से ब्रोमीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। एल्केन के जो रेडिकल है वो हेलोजन के रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में जाके जो एल्केन एल्केन के रेडिकल है वो आपस में रिएक्ट करके या बॉन्ड फॉर्मेशन करके फिर फाइनली एल्कीन का ही फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं हेलोजिनेशन पढ़ा, हेलोजिनेशन में हमने स्पेसिफिक केस पढ़ा क्लोरीनेशन का फर्स्ट, ओके। उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ी कि कितनी एनर्जी वगैरह चाहिए होती है, कौन सा स्टेप एंडोथर्मिक होता है, कौन सा एक्सोथर्मिक होता है, और कितने स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़े हमने, कि क्लोरीन जो है CH4 के साथ 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट नहीं कर पाता, बस स्मॉल अमाउंट अगर आप ऐड कर दे ट्राइथाइलेट का तो वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रिएक्ट कर जाता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? परऑक्सी रेडिकल के प्रेजेंस होने की वजह से नहीं कर पाता, ये यहाँ पे जो है इनहिबिटर का काम करता है, ओके। सेकंड जो हमने टाइप का हेलोजिनेशन पढ़ा है वो है ब्रोमिनेशन, सेम स्टेप है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन होगा यानी श्रृंखला प्रारंभन होगा, सेकंड स्टेप जो है चेन प्रोपेगेशन होगा यानी श्रृंखला सतत पद होगा, जो कि जिसमें भी दो स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल जो पूरा स्टेप वो ओवरऑल जो है वो कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है चेन टर्मिनेशन यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा जो है चेन हमारी टर्मिनेट हो जाएगी या फिर रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगी। रुकेगी कैसे? जब कोई रेडिकल बचेगा ही नहीं रिएक्शन मिक्सचर में तो आगे रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो उस समय पर जब हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में किसी प्रकार का रेडिकल प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन वहां पे जाके रुक जाती है, ठीक है। तो ये तो पूरा ब्रोमिनेशन का केस। नेक्स्ट क्लास में हम आयोडिनेशन और फ्लोरिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही पढ़ेंगे कि ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन की सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी किस तरह से जो है रिलेट आपस में किया जा सकता है दोनों को, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो क्लोरिनेशन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमिनेशन। क्लोरिनेशन का प्रोसेस है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमिनेशन, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ब्रोमिनेशन, जो हमने देखा ही है, ओके। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आयोडिनेशन क्लोरिनेशन पढ़ेंगे और रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे टुवर्ड्स हेलोजिनेशन, यानी कि एल्केन्स जो है उनका हेलोजिनेशन के लिए जो है रिएक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में